हुसैन चौटाला आगे बढ़ो। जनायक जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 चौटाला जिंदाबाद, भाई हुसैन चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आपने तो अपनी दिलदारी को देने का साथ कर ये अवसर दोबारा है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का इसी तरह साथ देकर और जो नारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सीकर में दिया था कि जाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान है, तो सभी सरपंचों का सभी सामाजिक संगठनों का जो आज यहाँ आप लोग करोगे और विधानसभा सीट जननायक जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत से जिताकर देने का काम करोगे। आप सब आए पूर्ण आप सब सब अगर वोट की बदलाव के अंदर आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर प्रकार से चाहे हालत पेपर लीक की हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध की हो, प्रदेश के अंदर गुंडा राज की हो, माफिया की हो, माइनिंग माफिया की हो, हर प्रकार से राजस्थान को दिन प्रतिदिन पिछाड़ नौर की इस पावन धरा से जहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा में आज जननायक जनता पार्टी का चुनावी आगाज शुरू हुआ है और जिस तरीके से मैं पहले भी कहता था 25 से 30 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उसकी शुरुआत नौर से है। बहुत से डॉक्टर साहब के पुराने साथी आज फेफाड़ा की इस पावन धरा पर जुड़े हैं और मैं मानता हूँ जैसे जैसे राजस्थान प्रदेश में यात्रा चलेगी वैसे वैसे ये कारवा बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जन समर्थन जन भावनाओं के साथ कांग्रेस ने जो खिलवाड़ किया है उसके विरुद्ध जननायक जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ जुड़ेगा और एक बड़ा बदलाव राजस्थान जो चाहता है। मैं तो दोबारा एक चीज़ कहूँगा जो सीकर में कही थी कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, इस मुहिम के साथ राजस्थान प्रदेश की धरा पर जननायक जनता पार्टी चुनाव गठबंधन को लेकर कोई बैठक हुई? देखिए जहाँ अलायंस की बात है हमने पहले भी क्लियर किया था कि हमारा प्रयास है हमारा संगठन बढ़े, इसमें चर्चा का दौर चलता रहेगा मगर आज हम पूरी तौर पर जननायक जनता पार्टी के विस्तार और मजबूती के उपरांत काम करें। अगर कोई दोनों पार्टियों में सहमति बनेगी तो इसका निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो हमारी तैयारी पहले भी और आज भी 25 से 30 सीटों की और उस पर मजबूती से। लिस्ट कब तक आ जाएगी? नवरात्रों के अंदर पहली सूची जननायक जनता पार्टी। सर आपके पिताजी 1995 में यहाँ नौर से विधायक रहे हैं सर, 1995 में, उसके बाद बहादुर सिंह जो गोदारा का नंबर आता है, कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप यही है कि आपसी पुजारी रंजिश के चलते अभिषेक मुटारियों का हराने का प्लान बताया जा रहा है। चलिए किसको हराना है किसको जिताना है तो जनता जनार्दन का काम है। जी जी, इस सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पहली फतेह हुई और उसके बाद 2003 में भी ये विधानसभा सीट हमने जीतने का काम किया जी, और उसके बाद भी जब तक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का समर्थन था कई लोग यहाँ से जीते जी जी, और जिस दिन समर्थन दूर हुआ दोबारा आ पाए विधानसभा में जी। मैं ये मानता हूँ कि जनता का प्यार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रति है और नौर की जनता मजबूती के साथ उसके साथ। रामगढ़ कठपुतली और फतेहपुर की जहाँ तक बात आती है सर, सीमावर्ती इलाके में सीट ऑलरेडी बीजेपी पहले। चलिए जहाँ बात आ चुकी है उनने अपनी अनाउंस कर दी, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी कैंडिडेट्स की पहली सूची नवरात्रों में शुरू।